नमस्कार, मैं हृतिका पांडे, स्वागत है आपका 5 मिनट 20 खबरों में। कश्मीर में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई, बड़ी तादाद में आतंकियों का खात्मा। भारतीय सैनिकों द्वारा पाकिस्तान का एक विमान मार गिराया, जिसके बाद देश में सभी सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुजरात के प्रसिद्ध यात्रा धाम अंबाजी में भी जेट कक्षा की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राजस्थान के सीमा के पास होने की वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आगामी दिनों में शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षाएं आयोजित, परीक्षा को लेकर बोर्ड की ओर से पारियां की जा रही है। माउंट आबू की दलवाड़ा बस्ती में बुधवार की शाम को रसेल वाइपर सांप के आने से सनसनी फैल गई। 5 फीट लंबे रसेल वाइपर के आने से बस्ती में भय का माहौल। तिवरी बालरबा गांव में राजस्थान विकास सभा के चुनाव में मंत्री पद भारी मतों से विजय प्राप्त करने के बाद मंगलवार को भीकाराम खोरवाल अपने पैतृक गांव पहुंचे। जनता ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। जय हिंद सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से कश्मीर में पुलवामा में शहीद स्मारक बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए सोसाइटी की ओर से देश भर के सहयोग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर में पहली बैठक आयोजित की, जिसमें शहीद स्मारक बनाए जाने के लिए एक मुट्ठी मिट्टी हर शहीद स्मारक से एकत्रित करने की घोषणा की। ओसिया में एबीवीपी की निकाली गई तिरंगा रैली, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ गूंजा ओसिया। एबीवीपी विभाग के संयोजक जुगल चौधरी ने कहा कि हमें याद रखना होगा कि जहां हम अपने घर एवं गांव में सुरक्षित बैठे हैं, वहीं हमारे ही भाई सीमा पर 0 डिग्री टेम्परेचर में अपनी हड्डियां गला रहे हैं। सीमावर्ती इलाके जैसलमेर में दबोचा गया संदिग्ध, सम इलाके के दामोदरा गांव से दबोचा, सुरक्षा एजेंसियों ने युवक से की पूछताछ। भारत पाकिस्तान के तनाव की स्थिति में सीमावर्ती इलाके के दामोदरा से एक संदिग्ध युवक को सुरक्षा एजेंसियों ने दबोचा। संदिग्ध हारून रशीद पुत्र अब्दुल रशीद रांची झारखंड बताया जा रहा है। इस युवक को अब संयुक्त जांच कमेटी को सपोर्ट किया जाएगा, जहां सभी एजेंसियां सीमावर्ती इलाके में आने के कारणों का कड़ाई से पूछताछ करेंगी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते जैसलमेर पुलिस हाई अलर्ट के चलते आज कोतवाली में स्थानीय हनुमान चौराहे से संदिग्ध को पकड़ा। अभी तक की गई पूछताछ में संदिग्ध युवक कोई जानकारी नहीं दे पाया है। गौरतलब है कि इन दिनों भारत पाक रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं। तनाव की स्थिति में देखते हुए तमाम सुरक्षा एजेंसी अभी सभी संदिग्धों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आदरणीय मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी साहब की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति के लिए योजना के वितरण समारोह किया जा रहा है। गुजरात सफाई कामदार विकास निगम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर विकास अधिकारी विभाग के कैबिनेट मंत्री ईश्वर भाई परमार उपस्थित रहे। डायबिटीज को लेकर आज जयपुर में 9वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डायबिटीज कॉन्फ्रेंस की शुरुआत। 3 मार्च तक होने वाले इस डायबिटीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन सीतापुर में JECC में किया जा रहा है। जानकारी साझा करने के लिए 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ, 1500 से अधिक डायबिटीज के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ शामिल होंगे। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू पानी के अकाल के चपेट में, पेयजल आपूर्ति के लिए मई 2019 तक का ही बचा पानी। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।